नमस्कार, आप देख रहे इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत। ब्रेकिंग न्यूज, बलिया। बलियाले में कथावाचक अमितानंद महाराज ने धर्म ग्रंथों को सिद्धांतों को अपनाने की बात कही। बलिया जिले के मनियार अंतर्गत बड़का बारी ग्राम सभा में अमितानंद महाराज जी के वहां रमेश जी के नेतृत्व में विधिक पूर्वक कथा वाचन का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस दौरान अमितानंद महाराज जी ने जनमानस से आग्रह किया कि हमें धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों को अपनाने की जरूरत है, जिससे कि समाज में शांति स्थापित की जा सके। कथा आयोजनकर्ता श्री रमेश ने कहा कि माँ बाप की सेवा ही जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। इस मौके पर हजारों श्रोतागण उपस्थित रहे। बलिया से संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता। अमितानंद उपाध्याय जी है। मैं श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन करता हूँ। बाबा, जिस तरह से आप पूरे समाज को कथा रूपी भक्ति रूपी रसपान से आप समाज की सेवा कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है, आजकल के युवान भाइयों में संस्कार देना। हाँ, युवान भाइयों में संस्कार कैसे आए, यही हमारा उद्देश्य है कि उनके अंदर संस्कार दिया जाए, क्योंकि संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। देख रहे हैं कि क्योंकि इसका कारण भी है। कारण यह है कि हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसका कंपनी देखते हैं कि कैसा कंपनी है। हाँ, तो उसी हिसाब से उस चीज़ को हम खरीदते हैं। अच्छा कंपनी है भाई, ये सामान ले लो, ये सामग्री ले लो, अच्छी रहेगी। वैसे ही नस्ल खराब हो जाती है उनकी, जिनके घर के बूढ़े बुजुर्ग खराब हो जाते हैं। महाराज, यदि दादाजी क्रिकेट देखेंगे तो नाती पोता क्या करेंगे, वो भी तो क्रिकेट देखेंगे ना। तो कुछ ना कुछ हमारे गार्जियन भी युवान भाइयों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, तो गार्जियन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को संस्कार दे, शिक्षा दे। हमारा ही फर्ज नहीं बनता है, हम तो जहाँ तक है हम सब मिलकर के कथावाचक लोग, संत लोग ज्ञान दे रहे हैं, पर माता पिता का भी फर्ज बनता है कि अपने पुत्र को संस्कार दे। जिस तरह से समाज में लोग धर्म की बात तो चर्चा तो करते हैं, लेकिन देखा जाए कि हर घर में रामायण होगा, गीता होगा, लेकिन उसकी पाठन की प्रक्रिया होती है, लोग दूर दूर तक अंदर होते हैं, उनको क्या आप कहेंगे, उनकी सोच के लिए क्या कहेंगे आप? उनके सोच के लिए मैं यही कहूँगा, महाराज देखिए आजकल तो पूजा पाठ ये सब वो सब दिखावट हो गया है। हाँ, भाव से लोग नहीं कर रहे। यदि भाव रहेगा तो सत्य बात है कि वहाँ शांति रहेगी, सब में एकता रहेगा, पर भाव नहीं हो रहा है, दिखावट हो रहा है। और हम कहते हैं ना कि जहाँ दिखावट होता है वहाँ सजावट होता है, और जहाँ सजावट होता है ना वहाँ बनावट होता है, और जहाँ बनावट होता है वहाँ मिलावट होता है, और जहाँ मिलावट होता है वहाँ एक न एक दिन गिरावट जरूर ही होता है, गिरावट जरूर ही होता है। आप एक कथावाचक हैं, वर्तमान में चल रही समाज की कुंठाओं को दूर करने के लिए आप समाज से क्या आग्रह करना चाहेंगे? समाज से यही आग्रह करना चाहते हैं हम कि भाई जितना हो सके सदा सिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। हम अपने कल्याण के लिए सदा सिव्या हमेशा श्रवण करें, क्या भागवत कथा को, हरि कथा को, हरि के गुणगान करें, उनके नामों का बखान करें, क्योंकि हमारे कल्याण जो चाहने वाले हैं एक प्रभु ही है। ये दुनिया वाले कल्याण नहीं चाहेंगे, केवल और केवल प्रभु ही हमारा कल्याण चाहेंगे, कल्याण करेंगे। पश्चिम का रहने वाला हूँ। आप यहाँ धर्म की चर्चा हो रही है, यहाँ पर महाराज जी, अमितानंद महाराज जी यहाँ पर आए हुए हैं, ये आपके अंदर कैसी जागृति आई किस तरह के कार्यक्रम कराने की? वो ऐसा हुआ ना कि मेरी माता जी का बहुत दिन से इच्छा थी, और भाई माता का जो भी इच्छा है, हर पुत्र का कर्तव्य होता है उसका पालन करने का, कि भाई जो भी उसकी इच्छा हो उसको पूरा करना एक सौभाग्य की बात होती है। तो काफ़ी समय से कर रही थी, मैं सोचा कि बस लड़की की शादी करूँगा, उसी में माता जी को ये कथा मैं सुना दूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं सारे बच्चों से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो भी उसके माँ बाप हैं उसका मतलब अभी आप भावुक हो रहे हैं। जिस तरह से आज पिता पुत्र, माँ बाप, जो भी मतलब समस्याएं हैं, आज रिश्तों में भी एक दरार दिखने को मिली है, काफ़ी गिरावट आई है, ऐसे समय में आपने इतनी बड़ी सोच लेकर चला, आप कैसे कर पाए, और वर्तमान में समाज को आप क्या कहना चाहेंगे?
वर्तमान में समाज को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर माँ बाप की इच्छा होती है अपने बच्चों से, कि भाई हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो भी हमारी इच्छा हो उसको पूरा करे, और बच्चों को चाहिए कि भाई उसकी इच्छा को पूरा करे। और ऐसे मान लीजिए समाज में तो बहुत सारे लोग हैं, मैं अपने माँ बाप को, पिताजी तो नहीं है लेकिन माँ है, और मैं क्या संदेश देना है सबको, अपने माँ बाप को सेवा करना चाहिए, उसके जो भी कार्य है उसको पूरा करना चाहिए, उसके अरमानों का जो भी उसकी इच्छा हो उसको जितना भर सक हो उसको प्रयास करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, अगर सक्षम है तो, नहीं है तो फिर जो श्रद्धा भाव है माँ का सेवा कीजिए। यही हमारे सबसे यही अनुरोध है, आप सबसे सब बच्चों से मैं यह कहता हूँ कि अपने माँ बाप का सेवा करें, क्योंकि आगे समय में उनके सामने भी यही आने वाला है।